बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होम टाउन एसोसिएट्स। आज मैं प्रीसेंट 4 की एक प्राइम लोकेशन पर यहाँ एक पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा प्रीसेंट 4 के हवाले से। आज की इस वीडियो के अंदर आपको प्रीसेंट 4 की सराउंडिंग्स के हवाले से बताया जाएगा, यहाँ डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, किस तरह की हो रही है, बाकी मज़ीद आपको यहाँ के रेट्स वगैरह क्या देखने को मिलते हैं और आने वाले वक्त में ये प्रीसेंट कैसा रहेगा, आज हम सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जी तो व्यूअर्स, वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सराउंडिंग्स के हवाले से। अगर प्रीसेंट 4 की सराउंडिंग्स के बारे में बता चलूँ तो इसकी सराउंडिंग्स हमें इंतहाई खूबसूरत देखने को मिलती है। जैसा कि इसके बिल्कुल सामने हमें लिबर्टी कमर्शियल मिडवे ए, मिडवे बी, यहाँ पर हेड ऑफिस देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके राइट साइड पर प्रीसेंट 3, लेफ्ट साइड पर प्रीसेंट 7, ये सब चीज़ें इसकी सराउंडिंग्स में देखने को मिलती हैं। अगर बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से बात की जाए तो तकरीबन 2 से 3 मिनट की हार्डली ड्राइव पर ये प्रीसेंट आ जाता है और बहुत अच्छी लोकेशन का प्रीसेंट है। उसकी वजह यही है कि जो 500 गज के सबसे पहला प्रीसेंट और सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने वाला प्रीसेंट ये प्रीसेंट 4 ही है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीसेंट के यहाँ कितने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी और इसकी सराउंडिंग्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। अगर मैं आपको यहाँ डेवलपमेंट के हिसाब से बता चलूँ तो डेवलपमेंट बहरिया टाउन की मैनेजमेंट की जानिब से यहाँ डेवलपमेंट 100% करते गए दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ विलास की कंस्ट्रक्शन वगैरह भी शुरू हो गई है। अगर विलास की कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको बताया चलूँ तो तकरीबन 70 से 80 विलास ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो जहाँ फैमिलीज़ वगैरह मूव कर चुकी हैं। इसके अलावा अगर यहाँ के रेट्स के बारे में आइडिया देता चलूँ तो यहाँ जो हमें प्लॉट है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपये तक इजीली अच्छा प्लॉट परचेज़ करने को मिलता है। और विलास के हिसाब से विलास के रेट्स बताता चलूँ तो विलास के जो रेट हैं तकरीबन 5.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ तक हमें अच्छा विला परचेज़ करने को मिलता है। अगर आप 5.5 करोड़ या 6.25 करोड़ के दरमियान विला परचेज़ करते हैं तो वो हमें ग्राउंड प्लस 1 का परचेज़ करने को मिलेगा या फिर नॉर्मल लोकेशन का होगा। अगर आप बहुत अच्छी लोकेशन का विला चाहते हैं या फिर बेसमेंट वाला विला चाहते हैं तो वह हमें तकरीबन 6 से 6.5 करोड़ के दरमियान परचेज़ करने को मिलेगा। इसी तरह प्राइस का वेरिएशन हमें प्लॉट्स में भी देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल लोकेशन का या बिल्कुल हल्की लोकेशन का प्लॉट देखेंगे तो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपये का परचेज़ करने को मिलेगा। अगर आप कॉर्नर या कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो हमें तकरीबन 2.25 करोड़ तक परचेज़ करने को मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताए चलूँ तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रीसेंट है। उसकी सबसे मेन वजह यही है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे जैसे एक एरिया में विलास की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है वैसे वहाँ पर रेट्स भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हम बैरिया हिल्स को कंपेयर करें या अली ब्लॉक को कंपेयर करें तो या प्रीसेंट 8 को कंपेयर करें तो जहाँ जहाँ विलास की कंस्ट्रक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है या जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं वहाँ हमें विलास या प्लॉट्स के रेट भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आप प्रीसेंट 4 में कोई सेल या परचेज़ करना चाहते हैं या बैरिया टाउन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करना चाहते हैं या इसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी आपसे वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। इसी के साथ मोहम्मद नुमान को होम टाउन के चैनल से इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।